उत्तराखंड उधम सिंह नगर में भीषण गर्मी के कारण मैदानी क्षेत्र का जल स्तर काफी नीचे चला गया। इस समय उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र में भीषण गर्मी पड़ रही है। तापमान की बात की जाए तो 42 डिग्री के आसपास है। हैंडपंप, नदी नाले सब सूखने की कगार पर हैं। मनुष्य के साथ साथ जीव जंतु भी पानी के लिए परेशान हैं। इसी को लेकर क्षेत्र के किसान व जिला प्रशासन भी चिंतित हैं। कुछ वर्षों पूर्व तक मैदानी क्षेत्र में नदी नाले तालाब पानी से भरे हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान समय में नदी नाले तालाब व आर्टिजन हैंडपंप सब सूख रहे हैं, जिसका मुख्य कारण तराई क्षेत्र में लगने वाली बेमौसमी धान की फसल भी है। बेमौसमी धान की फसल लगभग 2 से 2.5 महीने में तैयार हो जाती है। बेमौसमी धान की फसल में पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसका दूसरा कारण उधम सिंह नगर के तराई क्षेत्र के हरे भरे वृक्षों को काटकर भूमाफियाओं द्वारा कंक्रीट के जंगल खड़े करना भी है। सभी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो आने वाले समय में पानी की समस्या होगी और वह किसानों को भी विशेष ध्यान रखना होगा कि बेमौसम धान फसल ना लगाएं, नहीं तो आने वाले समय में पानी के लिए लंबी लंबी लाइनें लगनी पड़ेंगी। जी नयाल जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। इसमें ये बेमौसमी धान जो लगाया जा रहा है, इससे पानी का स्तर, नीचे से पानी का दोहन इतना ज़्यादा हो रहा है कि कहीं ना कहीं नीचे वाटर लेवल नीचे जा रहा है इस समय, और इतना ज़्यादा चला गया है कि नल वगैरह जो अपने आप चलते थे वो सारे के सारे सूख गए। पानी बंद हो गया 1 महीने पहले से, और पानी जो है पहले अपने आप निकलता था, आज पानी जो है नल चलाने पे भी पानी नहीं निकल रहा है। ये पोजीशन हो गई, पीने का पानी नहीं, कुछ दिन बाद पीने के लिए पानी भी नहीं मिलेगा। इस समय पानी की बहुत, पीने के पानी की बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। कहीं ना कहीं जो ये बेमौसमी धान लगा है, इसका भी प्रभाव हो रहा है इसमें? इसका काफ़ी प्रभाव है इसका, क्योंकि पानी का दोहन रात और दिन 24 घंटे हो रहा है नीचे से, तो भूमि जल स्तर तो गिरेगा ही गिरेगा। तो इसके लिए जिला प्रशासन कह रहा है कि इसकी जगह अन्य फसलें लगाई जाएंगी और ये धान की खेती अगले वर्ष से बंद होगी। क्या आप लोग सहमत हैं इसमें? बिल्कुल सहमत है, और इसके लिए विकल्प है हम लोगों के पास दूसरे दलहनी फसलें हैं, मक्का है, ये चीज़ें बोएंगे तो शायद कहीं ना कहीं हम लोगों को इससे ज़्यादा रेट मिलने की संभावना, और ये इसमें कीटनाशक का प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहा जो कि आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही घातक है। क्योंकि आज से 20 साल पहले जो तराई का जल स्तर था वो 20 फीट 30 फीट में आसानी से जो है हैंडपम्प लगते थे और अपने आप पानी दिया करते थे। क्योंकि ये तराई का क्षेत्र है और यहाँ पर आर्टिजन लगाए जाते हैं और उससे अपने आप जो है पानी निकलता है, और जो नलकूप की व्यवस्था है वो 40 या 35 फीट पे पानी दिया करते थे। आज वो जल स्तर जो है 50 से 100 फीट नीचे चला गया है, और इसका मूल कारण जो है बेमौसमी धान की खेती है। इससे जल स्तर तो नीचे जा ही रहा है और पेयजल की बहुत बड़ी समस्या इस समय पैदा हो गई है, क्योंकि तापमान जो है 40-42 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर है इस समय, और इससे जो नलके हैं वो सब सूख गए हैं, हैंडपम्प सूख गए हैं, और आर्टिजन का पानी भी जो है नीचे चला गया है। और इस समय जो है बहुत सारे किसानों ने धान की खेती यहाँ पर की है, और कोई खेत ऐसा नहीं है जिसमें धान ना लगा हो। तो मैं तो ये कहूँगा कि धान की खेती जो बेमौसमी है बंद होनी चाहिए, और 15 जून को एक तिथि निर्धारित होनी चाहिए कि 15 जून से धान लगाए जाए। इससे हमारा क्षेत्र का जलस्तर, तराई का जलस्तर बना रहेगा, और लगातार बार बार धान लेने से जो हमारे ज़मीन की, भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो भी समाप्त हो रही है। कीटनाशक और खरपतवार नाशक जो दवाइयाँ, रासायनिक दवाइयाँ और खाद लगातार जो खेत में इस्तेमाल हो रही है, उससे जो है भूमि की उर्वरा शक्ति पूर्णतः नष्ट हो चुकी है, और उसमें पैदा होने वाला अनाज भी जो है मनुष्य के लिए घातक होता जा रहा है। विगत काफ़ी समय से जो क्लाइमेट चेंज की बात आ रही है, तमाम तरह के ऐसे परिस्थितियाँ, वो चाहे एग्रीकल्चर के फील्ड में हो, चाहे पेड़ों की सुरक्षा को लेकर हो, जल संरक्षण को लेकर के हो, इन चीज़ों को अगर हम व्यवस्थित ढंग से सुरक्षित नहीं रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ निश्चित ही इसके दुष्परिणाम भुगतेंगी। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कल ही मैंने किसान बंधुओं की बैठक लिया, जिसमें एग्रीकल्चर फील्ड के तमाम जो एक्सपर्ट हैं उनको भी मैंने बुलाया था, और उनसे काफ़ी लंबा डिस्कशन हुआ
तो ये बात आई कि जो पानी का वाटर लेवल नीचे जा रहा है उसमें धान का भी एक बहुत बड़ा रोल है, पैडी का, जो समर पैडी है स्पेशली, तो उसके लिए क्या विकल्प हो सकता है? मक्का है, दाल वाली फसलें हैं, पल्सेस हैं या गन्ना है, तमाम चीज़ें हैं जो विकल्प के तौर पर धान के खेती की जा सकती है। उन विषय में डिस्कस हुआ, किसानों के बीच में ये बात लाई गई कि आप लोग भी इसमें सुझाव दीजिए, तो तमाम किसान इसमें पॉजिटिव थे कि अप्रैल से लेकर के 15 जून तक ये जो समर पैडी लगाई जाती है, अगर इसके लगाने पर रोक लगा दी जाए तो कुछ पानी का लेवल अच्छा होगा और जो क्लाइमेट चेंज हो रही है, जो मीथेन गैस का उत्सर्जन ज़्यादा हो रहा है, उस पर रोक लगेगी और किसानों को ऐसा विकल्प बताया जाए, सहूलियतें भी दी जाए कि वो इस समर पैडी के स्थान पर कोई और फसलें लगाएं। तो उस विषय में कृषि वैज्ञानिक, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के लोग भी थे, पंतनगर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहबान थे, कृषि विभाग के लोग थे, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद से लोग थे, पंजाब से भी तमाम 2-3 वैज्ञानिक आए थे जो मक्का वगैरह के एक्सपर्ट थे। तो उन्होंने उसके बेनिफिट बताए और कैसे हम इसको आगे ले जाएंगे। तमाम जो कंपनियां हैं, जो लोग मक्के वगैरह खरीद करती हैं थोक में, वो लोग भी आए थे। हम क्या सहूलियत दे सकते हैं, क्या अनुदान दे सकते हैं किसानों को, तो बड़ा लंबा एक मंथन हुआ है और काफ़ी कुछ चीज़ें लोगों के जहन में अब सोचने के लिए लोग विवश हुए हैं कि इसका विकल्प भी तलाशना हम सब की जिम्मेदारी है। तो अगले 1-2 बैठकों में इस पर निर्णय होगा और भविष्य में हमारी यह कोशिश है कि इस ज़िले में वाटर लेवल मेंटेन रहे, फसल भी अच्छी हो, किसान खुशहाल भी रहे, तो इन सारे बिंदुओं को लेकर हम लोग एक नीति बना रहे हैं। आगे कुछ समय में इस पर हम लोग अंतिम निर्णय। ठीक सर। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।